न्यूज़ हेड के नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शाहिद। आज हम आपको बताएंगे कि चेयरमैन नैब के हिरासत रेफरेंस के इंदराज पली बारगेन के इख्तियारात वापस, अख्तियारात किसे सौंपने का मशवरा दे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कौन सा रुख मुतय्यन कर दिया, अगर पार्लिमान ने तारीखी किरदार अदा नहीं किया तो वो भी तारीख के मुजरम होंगे, किसने कहा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ हेड को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो बराए मेहरबानी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें। दोस्तों, साबिक चेयरमैन सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए पाकिस्तान में जमानत के इख्तियारात में नए बाप और तरीक का जन्म लिया है। कोर्ट भी इस फैसले को मद्देनजर रखते हुए जमानत के केसेस को इसकी रोशनी में डील करेंगे। एहतसाब का अमल बहुत ज़रूरी है। सेनेट ने सस्ते और फौरी इंसाफ की सिफारिशात तैयार की, इन पर अमल दरामद नहीं हुआ। पार्लियामेंट को तारीखी किरदार अदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखना होगा। पार्लियामेंट को नए एहतसाब कानून और एहतसाब की नई बॉडी का तय्यन करना होगा। चेयरमैन नैब के पास हिरासत रेफरेंस के इंदराज पली बारगेन के जो अख्तियारात हैं वो अख्तियार चेयरमैन नैब से लेकर कमीशन को दिए जाएं। सबके लिए एक कानून होना चाहिए। नया एहतसाब कानून बनाने के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। फैसले में की गई बातों के बाद पार्लिमान ने तारीखी किरदार अदा नहीं किया तो पार्लिमान तारीख की मुजरम होगी। बुध को सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए साबिक चेयरमैन सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो तारीखी फैसला है। इस फैसले के जरिए पाकिस्तान में जमानत के अख्तियार में नए बाप और तरीक का जन्म लिया है। दीगर कोर्ट्स भी इस फैसले को मद्देनजर रखते हुए जमानत के केसेस को इसकी रोशनी में डील करेंगे। एहतसाब का अमल बहुत ज़रूरी है। ये कहना कि पार्लिमान एहतसाब से भागते हैं तारीखी और अमली तौर पर दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि गाड़ी पटरी से तब उतरती है जब पाकिस्तान में कानून के 5 मियार होने लगे। उन्होंने कहा कि यहाँ कानून मुख्तलिफ तरीके से लागू होगा। अगर आपका ताल्लुक हुक्मरान इशराफिया से है, अगर आप इशराफिया से मददगार हैं तो कानून का मुख्तलिफ अंदाज से इतलाक होगा। अमीर के लिए इंसाफ के तरीके और तकाजे मुख्तलिफ हैं। अगर कोई आम शहरी कानून को तोड़े तो इसका मुख्तलिफ अंदाज है। अगर आपका ताल्लुक अदलिया आर्म फोर्सेस सिविल सर्विस से है तो आपके साथ ही आपका ट्रायल करेंगे। अगर आप पार्लियामेंटेरियन या सियासतदान हैं तो आपका ट्रायल खसूसी अदालत में होगा। अगर आप आम शहरी हैं तो आप अदालतों के रहमो करम पर हैं। यकीनन नाजरीन, आपको चेयरमैन नैब के बारे में लेटेस्ट अपडेट पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।